आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक नया पार्ट। अब यहाँ पार्ट पढ़ने से पहले आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ ताकि आप समझ पाएं कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। हमने कहा पंखा चल रहा है, घर में पंखा चल रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, पिताजी अपना काम कर रहे हैं, माँ काम में व्यस्त हैं, फिर पक्षी चहचहा रहे हैं, बाहर भैया खेल रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि आप क्या कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। तो आपका काम हुआ सुनना, मेरा काम हुआ आपसे बात करना। फिर हमने कहा पंखा चल रहा है, पंखा क्या कर रहा है, चल रहा है। पिताजी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करना। पक्षी क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं, खेल रहा है। तो इस तरीके से खेलना, सुनना, बात करना, चहचहाना, काम करना, ये सारे शब्द आपको क्या बता रहे हैं, किसी काम के बारे में बता रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं काम वाले शब्द। यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो यहाँ खेल रहे हैं। खरगोश भाग रहा है, खरगोश क्या कर रहा है, भाग रहा है। बतख तैर रही है, बतख क्या कर रही है, तैर रही है। तो यहां पर आपने देखा इन तीनों वाक्यों में खेल, भाग और तैर, खेल, भाग और तैर, ये तीनों ही शब्द क्या है, किसी काम को बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, काम को बता रहे हैं। तो ये क्या कहलाए, काम वाले शब्द। क्या कहलाए, काम वाले शब्द। आपने देखा बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चों के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, खेलने का। खरगोश क्या कर रहा है, भाग रहा है। खरगोश कौन सा काम कर रहा है, भागने का। बतख क्या कर रही है, तैर रही है। कौन सा काम कर रही है, तैरने का। तो खेल, भाग और तैर, यानी खेलना, भागना और तैरना, ये तीनों ही क्या है, ये काम बता रहे हैं। इनके खेलना किसका काम, बच्चे का। भागना किसका काम, खरगोश का। बतख किसका काम है, तैरना किसका काम है, बतख का। तो इस प्रकार ये तीनों ही शब्द किनके कामों को बता रहे हैं, बच्चे, खरगोश और बतख के कामों को बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी काम को बताते हैं, किसी काम के बारे में आपको परिचय देते हैं, उनका ज्ञान कराते हैं, काम वाले शब्द कहलाते हैं। यहाँ आपने देखा उसकी परिभाषा कि आप कैसे पहचानोगे कि जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चले, ऐसे शब्द जिनको पढ़कर आपको पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है, वे काम वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, काम वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है दौड़ना, रोना, लिखना, नहाना, बोलना आदि, ये कुछ उदाहरण हैं। ये सारे जैसे दौड़ना, बालक दौड़ रहा है, रोना, मेरी मित्र रो रही है, लिखना, वह पत्र लिख रहा था, नहाना, मैं रोज सुबह नहाता हूँ, बोलना, हमें मीठी वाणी में बोलना चाहिए, इस प्रकार ये सारे शब्द काम को बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, अभी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि नाम वाले शब्द क्या होते हैं। हर एक चीज़ का एक नाम होता है, इंसान, जानवर, पर्वत, पहाड़, नदियों, सबके नाम होते हैं, और वो नाम वाले सारी चीज़ें कुछ ना कुछ काम करती हैं, और वो काम जिन शब्दों द्वारा पता चलते हैं, ये काम वाले शब्द कहलाते हैं। तो नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द, ये दोनों में ही अंतर है, ये हमें दोनों समझना है। अब यहाँ पर कुछ नाम वाले शब्द हम और देख लेते हैं। नाम वाले हमने पढ़े जैसे कि इंसान के नाम है अनिल, रवि, अनीस, शीला, मीनू, ये नाम इंसान के। पक्षियों के नाम है तोता, मैना, कबूतर। नदियों के नाम गंगा, यमुना, ये हमारे पढ़े। फिर पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, ये सारे पर्वतों के नाम। और विद्यालय का नाम, आपके माता पिता का नाम, घर का नाम, अपने बहुत सारे नाम पढ़ लिए, शहरों के नाम। अब यहाँ हम कुछ काम वाले शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने खेलना, भागना, तैरना, काम वाले शब्द। उसके अलावा कुछ उदाहरण बताए, दौड़ना, रोना, लिखना, नहाना, बोलना, ये सब क्या है, काम वाले शब्द।
और कुछ और उदाहरण देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, दो मैडम ने यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया है, इसमें आप देख सकते हो कि एक में दिखा है ब्रश यानी ब्रश करना, दूसरा है आपका पढ़ना या कैच करना यानी पकड़ना। तो ये दोनों काम हो गए, ये भी एक प्रकार के काम है। कुछ अन्य कामों की सूची हमने यहाँ आपको दी है, आप देख सकते हो विभिन्न प्रकार के कामों की सूची दी है। अब यहाँ आप किस प्रकार देख सकते हो, पहला प्रार्थना करना, प्रे, सिंग यानी गाना, अंग्रेजी के साथ शब्दों की इन्होंने सूची दी है, रन दौड़ना, फिर क्राय यानी रोना, यहाँ दिया है ईट, ईट यानी खाना, फिर वॉक, वॉक मतलब चलना, कूदना जंप, फिर है रीड पढ़ना। साथ में उन्होंने कुछ और शब्द दिए हैं यहाँ पर, यहाँ आपको दिया हुआ राइट यानी लिखना, स्विम मतलब तैरना, स्लीपिंग सोना, फिर नाचना डांसिंग, और यहाँ पर प्लेइंग यानी खेलना। तो इस प्रकार खेलना, प्रार्थना करना, रोना, फिर पढ़ना, लिखना, कूदना, ये सारे, तैरना, नहाना, ये सारे क्या हैं, हमारे क्रिया शब्दों के ही रूप हैं। तो बहुत सारे क्रिया शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, काम वाले शब्द बोलते हैं जिन्हें, कि उठना, सोना, जागना, खेलना, लिखना, उछलना, सुनना, गाना, नाचना, ये सारे हमारे क्रिया के ही रूप हैं। तो आपसे अभ्यास करने के लिए पूछा जाएगा कि भाई काम वाले शब्द छाटिए, काम वाले शब्दों पर बोला कीजिए वाक्य में, कौन क्या काम करता है उसे मिलाइए, या काम वाले शब्दों को इन वाक्यों में भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, काम वाले शब्द किने कहते हैं, उनके कौन कौन से एग्जाम्पल है, यहाँ पर इस चित्र के द्वारा आप पिक्चर देख के आइडेंटिफाई यानी चित्र देखकर खुद ही पहचानो कि कौन इस चित्र में कौन क्या काम कर रहा है, वो आपको पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्नों का अभ्यास करिए, और ये वाला जो हमने एक्सरसाइज का उदाहरण दिए हैं उसकी परिभाषा दी है और कुछ यहाँ पर काम वाले शब्दों की सूची दी है, वो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा नोटबुक में। और एक्सरसाइज इसके अभ्यास के साथ हम आपसे अगले असाइनमेंट के साथ और आपके मॉड्यूल के साथ आपसे फिर मिलेंगे। लेकिन आप जानिए, समझ के रखिए कि काम वाले शब्द क्या होते हैं, और कुछ सूची बनाइए, आप कौन कौन से काम करते हो, आप लिखते हो, पढ़ते हो, सोते हो, खाते हो, नाचते हो, टीवी देखते हो, गेम खेलते हो, बात करते हो, गाना गाते हो, ये आपके काम है। पक्षी क्या करता है, चहचहाता है, पानी पीता है, सोता है, उड़ता है पंख फैलाकर, मछली क्या करती है, तैरती है, बहुत सारे काम हैं। तो अपने आसपास से काम वाले शब्दों को ढूंढिए और अपनी नोटबुक में कम से कम 20 शब्दों के काम वाले शब्दों की सूची बनाइए। इतना अभ्यास आप कीजिए, तब तक के लिए हम आपसे अगले मॉड्यूल के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।